नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के गैलेक्सी A50 के बारे में। दोस्तों, इस मोबाइल में जून मंथ का अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी जून मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ है ठीक से, और इस फ़ोन में जून मंथ का अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों, सैमसंग की तारीफ करनी होगी कि सैमसंग का A50 जो है दोस्तों काफ़ी पुराना डिवाइस है, फिर भी वो उसमें लगातार अपडेट देता जा रहा है। दोस्तों, ये जो अपडेट है, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा कि इस अपडेट में ये देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है सैमसंग के गैलेक्सी A50 में, ये मेरे पास A50 है और इसमें दोस्तों नया अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि इस अपडेट में आपको क्या नया देखने को मिलता है, और दोस्तों कितने एमबी का अपडेट है, क्या क्या फीचर हमें इस अपडेट में क्या नए देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है और क्या क्या फीचर एड हो गए मिलते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चले पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो अपडेट है, जो रात को मैंने कर लिया था, इसका साया दोस्तों 555 MB का। तो दोस्तों, साइज लगता है कि इस अपडेट में हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों 550 MB काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जब आप इस अपडेट को करोगे तो आपके मोबाइल का सिक्योरिटी पेज लेवल 1 जूना कर दिया जाएगा। मेरे मोबाइल का सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों 1 जूना कर दिया गया है, और साथ ही दोस्तों कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों, इस मोबाइल में जो भी लैगिंग वगैरह आ रही थी पहले, जो भी दोस्तों इसमें बक्से थे लास्ट अपडेट को लेके, वो दोस्तों फिक्स कर दिए गए हैं, और इसमें कुछ दोस्तों एक दो फीचर ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों, फीचर मैंने चेक किए थे इस मोबाइल में, तो दोस्तों मुझे कुछ ऐसा नया कोई फीचर देखने को नहीं मिला कि इस पर क्या चेंजेज होके आया है। बट जब आप अपने मोबाइल को अपडेट करने के बाद जब आप यूज करोगे, तब आपको खुद महसूस होगा कि इस फ़ोन में दोस्तों क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने रात को ही किया है, और ठीक से मैंने दोस्तों रात को ऐसे यूज नहीं किया अपडेट करने के बाद कि इस फ़ोन में हमें क्या नया देखने को मिला है। बट दोस्तों, मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस की कि इस फ़ोन को अपडेट करने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ी जो चलाने की दोस्तों स्पीड होती है, डिस्प्ले की स्पीड, वो थोड़ी फास्ट हो चुकी है। यानी दोस्तों, ये और भी फास्ट चल रहा है पहले से, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। और दोस्तों, सेटिंग के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शन होते हैं, जैसे वॉलपेपर, डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन वगैरह के, तो दोस्तों इनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, ये नए अपडेट में दोस्तों आपको सिक्योरिटी पेज लेवल बढ़ के मिलेगा, 1 जून का कर दिया जाएगा। आपके दोस्तों ये फ़ोन में बक्स होंगे पिछले, वो सारे फिक्स कर दिए जाएंगे, और थोड़े बहुत चेंजेस होकर मिलेंगे जो आपको यूज करने के बाद ही नोटिस होकर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में कोई नई एप्लीकेशन आएगी या कोई नया इंटरफेस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट दोस्तों, जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको खुद नज़र आएंगे जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे अपडेट करने के बाद। तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो आप फटाफट से कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है दोस्तों, 550 MB का है, और आपके मोबाइल का सिक्योरिटी पहले 1 जून का कर दिया गया है। तो दोस्तों, सैमसंग के इस डिवाइस में काफ़ी अच्छी तारीफ है कि ये मोबाइल करीब 2-3 साल पुराना है, और तब से दोस्तों इसमें अपडेट रेगुलर आ रहे हैं। सैमसंग के A50 दोस्तों, जब मोबाइल काफ़ी पुराना था, और फिर भी सैमसंग इसमें टाइम पर अपडेट देता जा रहा है हर मंथ का। जबकि दोस्तों, सैमसंग का F41 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है कुछ ही टाइम, महीने पहले, यह है मेरे पास, ये देखिए, इसमें दोस्तों अभी भी अपडेट 1 मार्च का सिक्योरिटी पेज लेवल है, इसमें कोई अपडेट नहीं आया। बट दोस्तों, जो A50 में आपको 1 जून कर दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।